जदयू एमएलसी नीरज कुमार पर तेजस्वी यादव ने मानहानि का केस कर दिया है। 12 करोड़ रुपए के मानहानि का दावा करते हुए नीरज कुमार को लीगल नोटिस भेजा गया है। नोटिस में कहा गया है कि नीरज कुमार ने जो तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया है, इससे उनकी छवि धूमिल हुई है। लीगल नोटिस में कहा गया है कि 10 दिनों के अंदर नीरज कुमार इस आरोप की पुष्टि करें, नहीं तो हर्जाने के रूप में उन्हें 10 करोड़ रुपए भरने होंगे। वो बोलना चाहिए, किसी के चरित्र को बदनाम करेगा कोई, कोई तो चुप बैठेगा नहीं। जो सच्चाई है लोगों को वो बोलना चाहिए। झूठ की राजनीति, जालसाजी, बदनाम करने की राजनीति, नकारात्मक राजनीति ये लोग करते हैं। तो अगर किसी को अगर मेरे को कहा जा रहा है शादी घोटाला कर रहे हैं, तो हम उसको लीगल नोटिस भी नहीं देंगे। और अगर बकायदा कोई जवाब नहीं आएगा तो हम उनको कोर्ट तक लेके जाएंगे। आरएसएस भी बटे के बटे के वाले बयान को समर्थन करती है, क्या चाहती है इस देश में? एक बात समझ रही, आजकल आरएसएस और आजकल जदयू जो है आरएसएस का चोला पहनी हुई है। जनता दल यूनाइटेड आरएसएस और बीजेपी के रंग में आ गई। जो दंगा कराना चाहते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो जहर समाज में फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, जो संविधान विरोधी आरक्षण विरोधी जो लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से दो संविधानों के बीच में झगड़ा झंझट होता रहा। हम लोग कहते हैं कि मुद्दे की बात होनी चाहिए। बेगूसराय के जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा अपने 2 दिवसीय दौरे पर बेगूसराय पहुंचे, जहां जदयू के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने जिला स्तरीय कार्यकर्ता को संबोधित किया, जहां उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर सरकार बनाने की अपील की है। मनीष वर्मा ने कहा कि यह जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता समागम का कार्यक्रम चल रहा है, पूरे राज्य में और पूरे जिलों में कार्यक्रम यह चल रहा है। अभी तक 7 जिलों में कार्यक्रम हो चुका है, 8वां जिला वह बेगूसराय है, वह यहां पर हो रहा है। उन्होंने बताया है कि इसका उद्देश्य है कि नीचे तक कार्यकर्ताओं के पास जाए, उनकी बातों को सुने और जो भी उनकी समस्या है, समाधान कैसे हो, कैसे पार्टी मजबूत हो और 2025 में हमारे जीत कैसे सुनिश्चित हो, इसके लिए काम कैसे किया जाए, इसको लेकर सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई है। ये जनता दल यूनाइटेड पार्टी का कार्यकर्ता समागम का कार्यक्रम चल रहा है, पूरे राज्य में सभी जिलों में कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी तक 7 जिलों में कार्यक्रम हो चुका है, 8वां जिला जो है वो यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पर इसका उद्देश्य है कि हम नीचे तक के कार्यकर्ताओं के पास जाएं, उनकी बातों को सुने और जो भी उनकी समस्या हो उसका समाधान कैसे हो, कैसे पार्टी मजबूत हो और 2025 में हमारी जीत कैसे सुनिश्चित हो, इसके लिए काम कैसे किया जाए, इस सारी बातों पे कार्यकर्ताओं से चर्चा करके और आगे कैसे कार्यक्रम निर्धारित हो, इसके लिए ये कार्यक्रम चल रहा है। शांत किशोर जी एक नई पार्टी बनाए हैं, पहले वो रणनीतिकार थे, जगह जगह पे उन्होंने काम किया है पार्टियों के लिए। पहले तो सब जगह पे वो काम करते रहे रणनीतिकार के रूप में, और रणनीति का काम कार का काम होता है जब राजनीतिक पार्टियां होती है उनको सहयोग करना, जैसे YouTube, WhatsApp ये सब में सोशल मीडिया में लोगों को सहयोग करते हैं, पोस्टर बैनर लगाने में सहयोग करते हैं, नारे लिखने गढ़ने में सहयोग करते हैं, आपका जो सर्वे होता है उसमें सहयोग करते हैं। इस तरह के काम भारत में आज के दिन में देखिए तो 50 से अधिक लोग ये सब काम कर रहे हैं और उनमें प्रशांत किशोर एक है और उन्होंने इस काम को पहले किया है। और पहले जब उनकी बातें सुनता था तो वो कहते थे कि भाई हम पार्टियों को सहयोग करते हैं, ये काम करते हैं और रहने, लेकिन हाल के वर्षों में हम देखें कि वो क्लेम बहुत बड़ा करने लगे। उन्होंने किया कि भाई कि अब हम मोदी जी को हम ही जिताए हैं,
अरे भाई, देश में जब मोदी जी जैसा बड़ा नेता जो 3 बार गुजरात का मुख्यमंत्री हो, उसको जिताने के लिए चाय पे चर्चा जैसा कार्यक्रम के कारण मोदी जी जीते। मोतिहारी में फिनो बैंक का फर्जी ब्रांच खोलकर 4 प्रखंड में 89 महिलाओं को लोन दिलाने के नाम पर 9 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। महिलाओं ने इसकी शिकायत साइबर थाने में की है। पुलिस आरोपियों को पकड़ने की छापेमारी कर रही है। पूर्णिया में 20 सूत्री बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी शामिल हुए, जिसमें सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं की बारी बारी से समीक्षा की गई और कई अहम निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर सभी विधानसभा के विधायक, पूर्णिया के सांसद और सभी वरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के बाद प्रभारी मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि पूर्णिया में विकास की गति काफी तेज है और बाढ़ को लेकर पूर्णिया में भी बिहार के अन्य जिलों की तरह समस्याएं आती हैं, जिसका स्थायी निदान हाई डैम बनाना है, लेकिन इस दिशा में नेपाल की तरफ से सहयोग नहीं मिलता है। तो आज एक तरह से 3 बैठकें हुई है। एक तो जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति जो है, जिसको बोलचाल की भाषा में 20 सूत्री समिति कहा जाता है। दूसरा एक मुख्यमंत्री सेतु योजना से संबंधित समिति होती है, और तीसरा एक मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना से संबंधित समिति होती है। तो तीनों समिति की बैठकें आज हुई, और उन दोनों बैठकों में तो मुख्य रूप से उन दोनों योजनाओं के तहत जो स्कीम्स लिए जाने हैं, उसको उस समिति द्वारा पारित होने की अनिवार्यता है। उसके बाद जो 20 सूत्री या कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई, उसमें इस बार बहुत सारे, हम समझते हैं करीब जो माननीय सांसद माननीय विधायक हैं, उसके अलावा 2 तो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और लगभग 25 सदस्य बनाए गए हैं जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता है। तो उन सब के साथ आज बैठक हुई, काफ़ी अच्छे माहौल में बैठक हुई, और सभी लोगों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं कि विकास के संबंध में जो योजनाएं चल रही हैं उनमें और कहां सुधार की गुंजाइश है, या अगर कोई फिर कुछ नई कठिनाई दिक्कत है तो उसके संबंध में भी उन लोगों ने बातें की हैं। तो आज एक तरह से 3 बैठकें हुई हैं। एक तो जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति जो है, जिसको बोलचाल की भाषा